जैसे कि अथर भाई ने बताया कि टीवी चैनल्स हमारे पास में कितने हैं, अगर चैनल्स की अगर बात करी जाए तो यकीनन बड़ी अफसोस की बात है कि 50 से ज़्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन हमारा मीडिया के अंदर या चैनल्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो ना के बराबर है। तो अगर इस चीज़ को अगर देखते हुए अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो यकीनन कुछ ना कुछ तो वो रोल अदा कर रहा है। इसलिए मेरा ये आप लोगों से अपील है कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसमें वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी हो, आप उसको दावा के लिए इस्तेमाल करिए। क्योंकि अगर फिनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो 294 मिलियंस इंडिया के जो यूज़र्स हैं फेसबुक पर हैं, 294। हमारा काम क्या है कि हम ऐसी जगह जाते हैं जहां पर लोग आ रहे हों, प्लेटफॉर्म मिले हमें कि हम दावा दे सकें, दावत दे सकें उन लोगों को। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इजीली आसानी से और बिना ज़्यादा, बल्कि पैसे की बात करें तो आज कुछ भी नहीं है, आप 200-300 रुपये खर्च करेंगे, 3-4 महीने का आपका रिचार्ज हो जाता है। और अगर इल्म की बात करें तो जहां तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगो अन्नी वलो आया, कि अगर तुम्हें एक आयत का भी इल्म है तो उसको पहुंचा दो। तो अगर आपको एक आयत भी मालूम है तो आप सोशल मीडिया पे लिखिए, अपनी रीचिंग को बढ़ाइए। किस तरह से रीचिंग बढ़ाना है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप करिए ताकि आप कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम से जोड़ सके। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदकात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।